नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। 15 दिनों के अंदर रसूलपुर कोरेगांव पंचायत में एक ही जगह से 3 बार बांध टूटा, नहीं की गई बांध बनने की समुचित व्यवस्था। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ कमलेश किशोर की रिपोर्ट। खबर वैशाली। जिले के गोरो प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले रसूलपुर कोरेगांव पंचायत के वार्ड संख्या 4 की है, जहां पिछले 15 दिनों के अंदर वाया नदी के पानी के दबाव में एक ही जगह से तीन बार बांध टूट गया, लेकिन बांध बांधने की समुचित व्यवस्था प्रखंड प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया। बांध टूटने की खबर मिलने के बाद जब हमारी टीम बांध टूटने के स्थान पर पहुंच जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, तब वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि एक सप्ताह पहले बांध बांधने के लिए ठेकेदार काम करने आए तो जैसे तैसे काम करने लगे। जब उनको कहा गया तब वह कहते हैं कि मुझे बांध बांधने के लिए भेजा गया है, पानी रोकने के लिए नहीं, और पानी बहता हुआ छोड़ चले गए। इस दौरान हमारी बातचीत वहां पर उपस्थित वार्ड प्रतिनिधि श्री शंकर राम से हुई, तब उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा बांध बांधने के बाद भी पानी की हो रही रिसाव के जानकारी की हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय को दिया, लेकिन प्रखंड द्वारा उस पर समुचित कार्रवाई नहीं किया गया, जिस वजह से एक सप्ताह के अंदर ही यह बांध तीसरी बार टूट गया। और देख सकते हैं कि पानी का यह परिणाम है कि बाढ़ ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका है। आपको ज्ञात हो कि जहां से बांध टूटा है ठीक उसके बगल से महादलितों की बस्ती है, जिसमें की लगभग 100 सेकंड अधिक घर महादलितों की है, जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और वे लोग अपने मवेशी को ले गांव से निकलने वाले सड़क पर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन बांध टूटने के लगभग 18 घंटे बीतने के बाद भी प्रखंड प्रशासन की नींद नहीं खुली, ऐसे में यह गरीब कहाँ और किसके सहारे हैं। आगे इनसे खुद सुनिए इनकी परेशानी। की नाम होगा? नाम बोलो ना। नगिया देवी होंगे। कोई आदमी अलग है देखे घर में पानी घुस अलग, कोई आदमी अलग भेंट करे ना? कहाँ मुखिया जी लोग ना, कहाँ कोई ना अलग है तो ये पानी में रह वही तो वही ना रहे समझ गई पानी में रहो कि मर जाऊ हम सब मरे के तलीके तो उनका वोट कौन देते मर जाबे तुम सब सहजोर उनका कौन दे खाना बना दे के बोलना कुछ खाला आदमी आपस है कि घर में पानी घुसल की परेशानी हो रहा है? सब खा पिए बिना भूख मरैले हम सब चूल्हा चौका कुछ न। कोई मदद पंचायत से? कहाँ कुछ कोई मदद ना कुछ ना। मुखिया जी लोग ना अलन है ना हमरा सके कहाँ कुछ हो दे थी ना हम सब तय मरे पर हती खाए भी ना। की नाम हो गया अपने के? रुक ना नाम बता तो पर नाम बताओ। हम आप सुदा माँ दे घर है सर सामने घर है बहुत खा पिए के दिक्कत है सर कथी करिए चौकी चूल्हा कुछ ना है ना पानी है ना कानी है सुदा कुछ ना है जब पीते हैं तो गंदे पानी पीते हैं। बोला 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 गंदे पानी पीते हैं कोनो अनजाना पानी बाल बच्चा लेकर कहाँ रहेंगे ना ही रहेंगे कोई अवस्था ना है सर हमारा खाने पीने कोनो अवस्था ना है चार गो बच्चा है चार गो बच्चा लेके कहाँ जाएंगे कोना देश में जाएंगे नहीं दे जाएंगे कोनो अवस्था ना है। सब उस तरीके से रह लो कुछ आदमी कहे वाला हमको घर दहा हुआ है कोई अथी रहने के साधन नहीं है 5 गो लड़का है 1 गो लड़की है कहाँ पर रहेंगे हम से देखिए सब दहाई कोई देखने नहीं आता है मुझे अब कोई देखने नहीं आता है माल जाल सब लेकर रोड पर है। नाम की हो गए महेश्वरी देवी। और कुछ बोले के होता बोला आज रात कितना दिन पहले टूट लिए? ये 5-7 दिन 7 दिन पहले बने टूट ओकरा पहले 8 दिन पहले टूट रहा है ओकरा बाद में बना गया लिया बांध कुछ दिन के बाद मान 5-7 दिन के बाद ये बनाए ला आ तब जैसे फिर टूट गया और टूट गया के बाद में जैसे पानी मान चलते रहे तरमा है ऊपर से बना गया एक बाद में जैसे दोबारा में मान फिर भी आए लोग बनाए ला ऐसे 5 दिन
पाँच छः दिन भेल बन्हैला आ बन्हा गेलक हँ बन्हैला के बाद में जे भेलक हँ कि जे पानी चलता ही है तो हम जैसे हम इतना भी बोलबो किए हम किए कि क्या बांध बांधते हैं आप लोग तो वहाँ पर आदमी बोला हमको जो हमको बांध बांधने आए हैं कि पानी रोकने आए हैं सब पानी रोकने के लिए आए हैं। इसके अलावा जौन लोग कहा कि इसमें चार पांच को बांस हमको चाहिए तो ठेकेदार साहब ने बोले कि इसमें बांध बांस क्या होगा। हम लोग भी कहे जो हमारे बी डी ओ साहब आए हुए हैं उनको बोलिए वो मंगवा देंगे तो ये कहना ये बांस उसके जोड़ लिया बांधो ठीक से बांधो। अब बांधने के बाद ही पानी चलते ही रहा। ये ठेकेदार कहाँ के कुछ जानकारी है जी? नहीं हमको जानकारी नहीं। इधर कहाँ का है ठेकेदार? बाहरी ठेकेदार था, ब्लॉक से दिया गया था क्या? हाँ ब्लॉक से आया था। मैं वो लोग बांध के गया उसके बाद भी पानी चल ही रहा था तो हम कहे जब पानी चल रहा है तो नहीं इसको दो महीना थोड़ा था पानी चलेगा ही वो लोग बोला। इसके बाद में माने बांध के लोग चला गया यहाँ से और चलते ही मैंने कल जैसे शाम से मैंने थोड़ा सा मैंने ज़्यादा हुआ बगल से इसके बाद में मैंने अब लोग देखा तो कहा भाई अब कोई रात का समय था उस समय तो कोई उपाय था नहीं अब लोग सो गया जा करके और बांधने के लिए अब कोई उपाय नहीं था को क्या किया जाएगा। अब सवेरे आता है तो देखता है कि भाई जैसे दूध डेग में माने टूट गया बहुत अधिक ढंग से और धीरे धीरे माने अब जैसे इतना पानी सर आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं सर आपका नाम क्या हो गया? शंकर राम हो गया। सर ये जो बांध टूटा हुआ है लग रहा है कि पहले भी यहाँ पे टूटा है और बांधा गया है तो सर ये कितने दिन पहले की घटना है? दो तीन दिन पहले टूटा था तो ब्लॉक से आया था आदमी बी डी ओ साहब सी ओ साहब सब आए थे बांध बनाया था और पानी 10 बोटी का भी बहरा हम वार्ड सब का के बी डी ओ साहब के और समिति जी को दिया जी बोले थे पानी अभी भी बह रहा है शायद फिर बहते बहते मैंने साइड से काट दिया माटी जिस समय बांधा गया था बीच में उस समय में भी लीकेज था पानी का पानी चल ही रहा था 10-15 बोटिंग का चल रहा और वही कारण है अभी बांध का फिर वही कारण फिर साइड से टूट गया वही पानी थोड़ा सा बहते बहते साइड से माटी काट दिया सर। ये सूचना अभी जो ये टूटा है बांध इसकी सूचना आगे तक चली गई आपके द्वारा दिया गया या नहीं? हाँ खाली फोन किए थे समिति नरेश भाई सब फोन किए हैं उसके बाद क्या हुआ? मुखिया जी सुबह में आए हुए थे जी। मुखिया जी आए तो इसको बांधने का कोई व्यवस्था तो किया जा सकता है। कारण है कि पूरा वार्ड या पूरा पंचायत पानी में बह जाए उसके बाद ही बांधना है या उससे पहले भी उपाय करना होगा? बांध तो बनना बहुत जरूरी है। हम लोग का पूरा दिया माल मवेशी सब रोड पर चलाया। इसके जवाब दे किसको मान रहे हैं बांधना बनाना या लीकेज रह जाना ये किसकी जवाबदेही है? जो बांधने आते हैं ब्लॉक से थोड़ा हल्का बांध देते हैं और इधर छुटा हुआ है कम बोरा पड़ता है इसलिए फिर टूट जा रहा है। बांधने के लिए और माटी चाहिए इस पर। कहने का मतलब कि ब्लॉक द्वारा जिसको नियुक्त किया गया वो आधा अधूरा काम करके भाग गया चला गया। तो आपका नाम क्या हो गया? विष्णु पासवान। आप भी रसूलपुर कोरेगांव के ही रह रहे हैं? ये जो बाढ़ जो है इससे कितना प्रभाव आप लोग को पड़ रहा है? बहुत जाके देखा जैसे हम लोग रोड पर बसे हुए हैं जो झोपड़िया माल जाल सब रखे इसके लिए ये जो टूटा उसके बाद क्या पंचायत के मुखिया जी लोग को संपर्क किए हैं आप लोग? वो तो कहते हमको मतलब नहीं जाके बी डी ओ साहब के कहिए वार्ड भी आया था बेचारा कहते बी डी ओ साहब के हमको नाम बताओ जो कौन है उसको नाम बताओ ना तुमको ले जाके थाना पर पकड़ के। नाम बताने का मतलब क्या कि कोई तोड़ दिया है जैसा ऊपर? नहीं नहीं नाजायज कैसे किसी का रख देगा वो है अब ऊपर के बाहर आए तो उसको क्या करेगा? इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं समिति सदस्य भी हैं सर आपका नाम क्या हो गया? राजेश पासवान। सर आपके वार्ड में आपका पंचायत में माया नदी बांध तोड़ चुकी है जैसा लोगों का कहना है कि रात में सर अभी तक बांध बांधने का क्या प्रक्रिया? बांध बांधने के लिए सूचना सर दे दिया गया बी डी ओ साहब सी ओ साहब के सवाल सूचना दे दिया गया है
बोले हैं जो मिट्टी की व्यवस्था हो रहा है बांध बन है, मिट्टी की व्यवस्था हो रही है बांध बन रहेगा तब तक तो पानी चलते रहे जी, जब तक मिट्टी व्यवस्था हो रहा है इसके बाद बांध बन है। सर प्रत्यक्षदर्शी जो कुछ लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बांध 15 दिन पहले भी टूटा था, 1 सप्ताह पहले भी टूटा, यानी 2-3 घटना उसी जगह से हो चुका है। तो सर ये बांध वैसा क्यों बांधा जा रहा है कि बांध बार बार वहीं से टूट रहा है? ये बांध से सब ठीक बांधा गया था लेकिन फिर पानी बढ़ जाने के कारण फिर उसको लेकिन गाँव वाले और जिस ढंग से बनाना चाहिए उस ढंग से लोग नहीं बांधता, आता है लोग जैसे तैसे बांध बांध के चला जाता है। गाँव वाले लोग का कहना है कि बांध बांध के तो गया लेकिन पानी लीकेज था उस समय में। हमको भी सूचना मिला था जो 2-4 बोर्डिंग का पानी गिर ही रहा बांधना के बाद भी 2-4 बोर्डिंग। इसका जानकारी क्या बीडीओ साहब को दिए थे आप? जी जानकारी लिखित जानकारी है, लिखित जानकारी में फोन से सब लोग को सूचना दे दिया गया था जो 2-4 बोर्डिंग के पानी गिर रहा लेकिन उधर से कोई कार्रवाई नहीं।